सब कुछ एक्टिव है, फिर भी इस फ़ोन के अंदर में सेंसिटिविटी थोड़ा लो देखने को मिला मुझे। अभी थोड़ा हेडशॉट इससे, इस फोन से तो हेडशॉट काफ़ी मस्त लगा यार। ऑल राइट दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रियलमी 10 प्रो प्लस 5G और पोको X5 प्रो 5G इन दोनों के मोबाइल के अंदर मैं फ्री फायर का गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोनों फ़ोन का लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है। रियलमी 10 प्रो प्लस आप लोग देख सकते हो, इसका कर्व डिस्प्ले आता है देखने को काफ़ी अच्छा लगता है, और पोको X5 प्रो 5G के साथ में एक नॉर्मल सा डिस्प्ले आता है। इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 778G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर और इस फोन के अंदर में 1080 का प्रोसेसर। तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर में बैटरी ड्रेन टेस्ट, उसी के साथ में कितना परसेंट बैटरी ड्रेन होता है एक मैच के अंदर में, और कितना कौन सा ऐप रनिंग करता है, फ्री फायर पहले ओपन होता है या फिर कौन सा फोन स्मार्ट फास्ट होता है, तो इन सारा टेस्ट करके दिखाऊंगा। और कौन सा फोन ज़्यादा हीट होता है, कितना परसेंट बैटरी ड्रेन होता है, आज की वीडियो के अंदर में देखेंगे। तो फटाफट से फ्री फायर को ओपन करता हूं दोनों फ़ोन के अंदर में एक साथ में। तो इधर दोनों फ़ोन एक साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो इधर दोनों फ़ोन अपना अपना जलवा दिखाएगा अभी। तो ये एक तरफ है मीडियाटेक का 1080, तो ये है पोको X5 प्रो 5G। तो ये दोनों फ़ोन सेम टाइम के अंदर में स्टार्ट किया है, तो आप लोग देख लो दोनों फ़ोन का इस परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। एक साथ में स्टार्ट हुआ दोनों फ़ोन, लेकिन इस फ़ोन के अंदर मेरा आईडी के अंदर में आप लोगों को लॉबी वॉबी कुछ देखने को नहीं मिला। तो अभी दोस्तों ग्राफिक की क्वालिटी अल्ट्रा मैक्स करके इस फ़ोन के अंदर में थोड़ा गेम प्ले करके दिखाऊँगा। तो इधर मैक्स से हाई एफपीएस भी ऑन रहेगा, और इसका डिस्प्ले के अंदर में होगा अल्ट्रा। तो ये दोनों सेटिंग हो चुका है, तो अब दोनों को टीम कोड से बुलाऊंगा मैं, क्लास कोड मैच स्टार्ट होगा अपना। टीम कोड इधर देंगे हम 6638। तो आ चुका हूँ, ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैच। तो आप लोगों का अभी इस फोन के अंदर बैटरी है 99% और इस फोन के अंदर में अभी बैटरी चार्ज है 100%। तो पोको X5 प्रो के अंदर में 1% बैटरी ड्रेन हो चुका है, और दोनों फ़ोन के अंदर में जो बैटरी का चार्ज मतलब ब्राइटनेस है फुल ब्राइटनेस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और 120Hz रिफ्रेश रेट दोनों फ़ोन के अंदर भी देखने को मिलता है आप लोगों को। तो मैं इस फ़ोन के अंदर में गेम प्ले करता हूँ, ठीक है, और ये फ़ोन बैकग्राउंड में ऐसे चलता रहे, बाद में दिखाता हूँगा कितना बैटरी ड्रेन होता है। तो ओवरऑल दोस्तों पहले बात करते हैं ग्राफिक की क्वालिटी की। तो आप लोग देख लो पोको X5 प्रो 5G के अंदर में अल्ट्रा मैक्स ग्राफिक का जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है रियलमी 10 प्रो प्लस 5G से। लेकिन दोस्तों सेंसिविटी की बात करें तो सेंसिविटी आप लोगों को पोको X5 प्रो 5G के अंदर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है मुझे। तो थोड़ा सेंसिविटी इस फोन के अंदर में लो देखने को मिल रहा है 10 प्रो प्लस के अंदर में, और अच्छा सेंसिविटी इसका लो है इसीलिए देखने को मिल रहा है। तो अब सही फ़ोन है, अब सही सेंसिविटी लग रहा है मुझे भाई। मत मर जाना। तो सेंसिटिविटी के मामले में जो फ़ोन है रियलमी का 10 प्रो प्लस विन होता है, लेकिन पोको X5 प्रो 5G के अंदर में गेम ट्रूबो का वो सब कुछ एक्टिव है, फिर भी इस फ़ोन के अंदर में सेंसिटिविटी थोड़ा लो देखने को मिला मुझे। अभी थोड़ा हेडशॉट इससे, इस फ़ोन से तो हेडशॉट काफ़ी मस्त लगा यार, पता नहीं क्या हेडशॉट के मामले में भी तो काफ़ी अच्छा ही देखने को मिला। लेकिन अभी भी मैंने रियलमी 10 प्रो प्लस का हेडशॉट सेंसिटिविटी चेक नहीं किया, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट राउंड में चेक करूंगा उसको। एनिमी कहाँ पर चले गया, तो इधर अपना तीनों को मतलब मार चुके हूँ। अभी दोस्तों इस रियलमी का बारी है, कैसा सेंसिटिविटी इस फोन का भी देखेंगे थोड़ा। तो इसके अंदर मैं सेटिंग थोड़ा भी नहीं किया हुआ है अभी भी, तो फिर भी हम इसी सेटिंग पे मार सकते बंदे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अभी एक राउंड हुआ है और बैटरी का चार्ज अपने 1% ड्रेन हो चुका है रियलमी 10 प्रो प्लस के अंदर में 99 पे आ चुका है, और पोको X5 प्रो 5G के अंदर भी 98 पे आ चुका है, 2% बैटरी ड्रेन हो चुका है।
और जो स्मूथली एक्सपीरियंस आप लोगों को कौन सा फ़ोन के अंदर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है आप लोगों को कमेंट में जरूर से बोलना। मुझे तो ऐसे इस फ़ोन के अंदर में ज़्यादा सेंसिटिविटी अच्छा मतलब वो भाई क्या हो क्या रहा है, एक डाउन है दो भाई, सेटिंग सही नहीं है ना, फिर भी बहुत अच्छा अच्छा लगा इस फ़ोन के अंदर में। तो सेंस भी इस फ़ोन के अंदर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लास्ट बात करेंगे कौन सा फ़ोन का एक्सपीरियंस मतलब स्मूथली एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कौन सा फ़ोन के अंदर में ज़्यादा, तो मुझे भाई इस फ़ोन मत मर जाना। अभी थोड़ा पोको का भी गेम प्ले करके दिखाता हूँ। तो मुझे जो गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथली देखने को मिल रहा है ज़्यादा इस फ़ोन के अंदर में, रियलमी 10 प्रो प्लस के अंदर में ज़्यादा स्मूथली गेम प्ले देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें ग्राफिक की क्वालिटी की ब्राइटनेस की, इन फ़ोनों अगर क्वालिटी की बात करूँ तो मैं रियलमी मतलब पोको एक्स प्रो 5G को चूज़ करता हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों जो गेमिंग एक्सपीरियंस से अपने को दोनों फ़ोन के अंदर अगर मैं बात करूँ लैगिंग हीटिंग के इशू के बारे में तो दोनों फ़ोन के अंदर में सेम इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों रियलमी 10 प्रो प्लस की जो परफॉर्मेंस मूड है बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर में आप लोगों को 1080 पर देखने को मिलता है, इसीलिए गेम थोड़ा ज़्यादा स्मूथली देखने को मिल रहा है चल रहा है ठीक है। और बात कर हीटिंग की तो ये फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, लेकिन पोको एक्स फाइव प्रो 5G बहुत ज़्यादा हीट होता है हिसाब से, मतलब अगर इस फ़ोन के साथ में कंपैरिजन करता हूँ तो भाई मार दिया क्या मेरा उस फ़ोन को तो इसको पहले मारता हूँ ठीक है। कहाँ से आ जाता है, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या मेरा, नेटवर्क इशू तो होना नहीं चाहिए भाई, क्या हुआ यार कुछ समझ नहीं आया। तो आप लोग थोड़ा देख लो ब्राइटनेस कौन सा फ़ोन के अंदर में अच्छा देखने को लग रहा है आप लोग को कमेंट में जरूर से बोलना। तो ऊपर में रियलमी 10 प्रो प्लस और नीचे है पोको एक्स फाइव प्रो 5G, तो ब्राइटनेस के हिसाब से तो मुझे अच्छा ही पोको एक्स फाइव प्रो 5G लग रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस मूड है आप लोगों को मतलब मुझे जो लग रहा है ना रियलमी 10 प्रो प्लस का अच्छा देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल दोस्तों सेंसी वेंसी सब कुछ की बात करें तो गेमिंग के मामले तो दोनों फ़ोन ही काफ़ी अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अपना अपना, और साउंड की क्वालिटी पोको के अंदर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा रियलमी का फ़ोन में साउंड कम है इसलिए साउंड कम दिख रहा है। तो अभी थोड़ा देखता हूँ बैटरी और हीटिंग की कैसा इशू आ रहा है दोनों फ़ोन के अंदर में। तो इस पोको एक्स फाइव प्रो 5G मॉडल की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर में जो बैटरी है अभी आप लोग देख लो बैटरी 97 पे आ चुका है और अपना बैटरी नॉर्मल पे टेम्परेचर है अभी दोस्तों 97.3% बैटरी ड्रेन हुआ इतना देर मतलब ये इस मैच को कम्प्लीट होने मतलब इस गेम को खेलने वक्त। और इससे देखते अभी इस फ़ोन का बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है तो इधर आप लोग देख लो 98 मतलब 2% बैटरी ड्रेन हुआ है। ओवरऑल दोस्तों जो गेमिंग का एक्सपीरियंस की बात करो हिसाब मतलब मान के चलो तो दोनों फ़ोन के अंदर में सेम इक्वली देखने को मिलता है, लेकिन हीट की बात करो तो मुझे पोको एक्स फाइव प्रो 5G मॉडल के अंदर में हीट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, रियलमी 10 प्रो प्लस के अंदर तो मुझे थोड़ा भी हीट देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल बात करते हैं कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो अगर आपका बजट है मतलब आपका बजट थोड़ा कम है तो आप लोग पोको एक्स फाइव प्रो इस फ़ोन को ले सकते हो, तो गेमिंग के मामले में आप लोगों को किस तरह का दिक्कतें नहीं आएगा। और आप लोग देख ही सकते हो इसका जो ब्राइटनेस का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा ज़्यादा हाई है पोको रियलमी मतलब रियलमी 10 प्रो प्लस 5G मोबाइल से, लेकिन इस फ़ोन के अंदर में थोड़ा ब्राइटनेस का इशू है। ओवरऑल फेवल ब्राइटनेस के साथ में ग्राफिक की क्वालिटी उतना भी अच्छा देखने को नहीं मिला इस फ़ोन के अंदर में रियलमी 10 प्रो प्लस 5G मोबाइल के अंदर में, लेकिन पोको का डिवाइस की बात करें तो पोको का डिवाइस में काफ़ी अच्छा सेंसी के साथ में ग्राफिक की क्वालिटी ओवरऑल सब कुछ अच्छा देखने को मिला। लेकिन दोस्तों एक बात है इस फ़ोन के अंदर में 1% बैटरी कम मतलब ज़्यादा ड्रेन हुआ इस फ़ोन के अंदर में, तो ये थोड़ा मतलब ये नेगेटिव बात है मतलब रियलमी 10 प्रो से थोड़ा सा माइनस हो जाता है बैटरी ड्रेन के मामले में। तो ओवरऑल बात करूँ तो मेरा डिसीजन के हिसाब से अगर 26,000 के अंदर में ये फ़ोन आता है और 23,000-21,000 के अंदर में ये फ़ोन आता है तो प्राइस के हिसाब से अगर पोको एक्स फाइव प्रो 5G को बाई करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये 100% आप लोगों को बाई करना चाहिए। प्राइस के मामले में अगर आप लोग देखते हो परफॉर्मेंस तो आप लोगों को पोको एक्स फाइव प्रो 5G काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा। तो अगर आप लोगों का भी मन है भाई रिक्स लेना नहीं चाहते हो पोको का डिवाइस डेड होता है और बहुत इशू है तो आप लोग 10 प्रो प्लस को ले सकते हो। तो अगर आप लोग मेरा मान लो तो आप लोग इस फ़ोन को भी ले सकते हो एक्स फाइव प्रो 5G मोबाइल को, इस फ़ोन के अंदर में अभी तो दिक्कतें नहीं आ रहा है और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है ना काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, थोड़ा मैं गेम प्ले करके भी दिखाता हूँ।
ये फोन मत डेड हो, मतलब लॉक मत हो जाना भाई। तो कौन मारा भाई, पीछे से मार दिया यार। अच्छा मेरा दोनों फोन डाउन हो चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों फोन का गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोग देख ही चुके हो। रियलमी पोको एक्स प्रो 5G मुझे बेटर लगा है रियलमी 10 प्रो प्लस का प्राइस के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ब्राइटनेस के हिसाब से, और दोस्तों अगर आप लोग को कर्व डिस्प्ले चाहिए, लुक वाइज काफ़ी अच्छा चाहिए, तो आप लोग इस फोन को भी ले सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का इस फोन, दोनों फोन के अंदर में किसी फोन के अंदर में किसी तरह का परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का डिसीजन चाहिए, तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। ओवरऑल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।